वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने क्लास फर्स्ट का सब्जेक्ट ईवीएस का चैप्टर कीपिंग सेफ लेकर आई हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों को सबसे पहले सेफ्टी के बारे में बताएं कि सेफ्टी होता क्या है। सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा। जब भी हम कहीं जाते हैं, हम अगर सावधानी से काम कर रहे हैं और हम उस चीज से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कुछ चोट ना लगे, तो उसे ही हम सुरक्षा बोलते हैं। सेफ्टी मीन्स स्टेइंग अवे फ्रॉम हार्म। एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू सडन केयरलेसनेस। टू अवॉइड एक्सीडेंट्स वी शुड फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स। और हम अगर किसी लापरवाही से कोई भी काम करते हैं तो उससे हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हमें कोई चोट लग सकती है, तो उस चीज से बचने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले आता है सेफ्टी एट होम। बच्चों को ये पॉइंट्स जरूर बताएं। सबसे पहले आता है इसमें मैच स्टिक। यहाँ पे मैंने मैच स्टिक बनाई हुई है। डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक। हमें कभी भी बच्चों को भी समझाना है कि मतलब बच्चों को कभी भी माचिस के साथ नहीं खेलना चाहिए। जैसे बच्चे जलाकर उसको बर्न करके देखते हैं, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, हाथ जल सकता है। उसके बाद डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ्स। और कभी भी बच्चों को शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं खेलना चाहिए, जैसे नाइफ हो गया या सीजर हो गई, जो घर में जो डेली यूज होती हैं चीजें, उन सबसे दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है सेफ्टी ऑन द रोड। सबसे पहले आता है डू नॉट वॉक और रन ऑन द रोड। हमें कभी भी बीच सड़क पे नहीं चलना चाहिए और ना ही दौड़ना चाहिए। हमारे लिए जो वॉकिंग के लिए जो होता है फुटपाथ बना हुआ रहता है, उसी पे चलना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन द रोड। रोड पे कभी खेलना नहीं चाहिए। क्रॉस द रोड व्हेन द लाइट इज रेड। हमें हमेशा रोड जब भी क्रॉस करनी चाहिए जब लाइट जो है वो रेड हो जाए। यूज अ जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। ओबे ऑल ट्रैफिक रूल्स। हमें हमेशा सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। उसके बाद आता है, यहाँ पे मैंने एक ट्रैफिक लाइट बनाई हुई है। तो बच्चों को इस तरीके से आप पिक्चर बनाकर समझा सकते हैं। ट्रैफिक लाइट के रूल्स भी इससे क्लियर होंगे और इस तरह से आप पता भी चलेगा कि कौन सी लाइट का क्या मतलब होता है। जैसे सबसे ऊपर मैंने ये रेड लाइट बनाई है, तो इस तरीके से आप कलर करके बता सकते हैं। तो रेड लाइट का जो, जब रेड लाइट जलती है तो उसका मतलब होता है स्टॉप। उसके बाद आती है येलो लाइट। येलो लाइट का मतलब होता है गेट रेडी। जैसे सभी लोग ट्रैफिक में रुके हुए होते हैं, तो जब येलो लाइट जलती है तो सब अपनी बाइक्स वगैरह या गाड़ी जो होती है, कार्स वगैरह जो होती है, उन सबको स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो रेडी हो जाते हैं। और जैसे ही ग्रीन लाइट जलती है तभी वो क्या करते हैं, चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए ग्रीन का मतलब होता है गो। तो ये ट्रैफिक लाइट का अलग अलग कलर्स से हमें ये पता चल जाता है कि किससे हमें कौन सा रूल फॉलो करना है। बच्चों को इस तरीके से पिक्चर बनाकर जरूर समझाएं। उसके बाद आता है सेफ्टी इन स्कूल। बच्चे स्कूल भी जाते हैं, उनके आसपास सिर्फ फ्रेंड्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो बच्चों को इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर भी उन्हें सावधानी की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आता है डू नॉट पुश ईच अदर ऑन स्टेयर्स। जैसे बच्चों की क्लासेस अलग अलग रूम में होती है, स्टेयर्स से उन्हें जाना पड़ता है, तो बच्चों को कभी भी आपस में धक्का नहीं देना चाहिए स्टेयर्स पर। डू नॉट क्लाइंब ऑन चेयर और डेस्क। जैसे चेयर्स होती हैं क्लास में और टीचर नहीं है क्लास में, तो उस टाइम पर बच्चों को चेयर्स वगैरह पर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर चेयर गिरती है तो बच्चों को चोट भी लग सकती है। डू नॉट मूव योर हैंड्स फ्रॉम बस। और जैसे कुछ बच्चे बस में भी जाते हैं, तो स्कूल की जो बसेस होती हैं वहाँ से कभी भी हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। नेक्स्ट है सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में भी सेफ्टी होनी चाहिए। सबसे पहला, प्ले सेफ गेम्स। हमें हमेशा सेफ गेम्स खेलने चाहिए जिसमें हमें हार्म ना हो, इस तरह के गेम्स खेलने चाहिए। डू नॉट प्ले एट और नियर बिजी प्लेसेस। और कभी भी बिजी प्लेसेस के आसपास नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि दौड़ने में भागने में किसी और के भी चोट लग सकती है या हमारे भी लग सकती है। इफ़ यू गेट हर्ट, कॉल आउट ऑन एन एडल्ट और योर फ्रेंड टू हेल्प यू। अगर गिरते वक्त चोट लग जाती है तो उस टाइम पर हमें किसी बड़े की मदद लेनी चाहिए, उसे बुलाना चाहिए या फिर हमें अपने फ्रेंड को बुलाना चाहिए। नेक्स्ट आता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड इज द हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इमीडिएटली।
ये इस तरह का हेल्प होती है कि अगर मान लीजिए किसी के चोट लग जाए तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, इमीडिएटली ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं मैंने, तो ये नंबर्स भी बच्चों को ज़रूर बताएं। जैसे 100 नंबर होता है तो ये बच्चों को याद भी होना चाहिए कि टू कॉल द पुलिस, पुलिस को कॉल करने के लिए 100 नंबर डायल किया जाता है, और टू कॉल द फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड के लिए 101, और टू कॉल द एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस के लिए 102। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, और ये डायग्राम्स बनाकर अगर आप बच्चों को समझाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद आती है इसमें वर्कशीट। सबसे पहला आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। सेफ्टी मींस स्टेइंग अवे फ्रॉम हार्म और हाउस। हाँ, वी शुड नॉट रन और वॉक इन द स्कूल और रोड। चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले विद वॉटर और फायर। रेड लाइट इंडिकेट्स अस टू रन और स्टॉप। वी शुड डायल टू कॉल द पुलिस। कौन सा नंबर? 100। तो इस तरीके से आप मल्टीपल चॉइस करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैचिंग। सबसे पहले यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं तो हमें मैच करने हैं। टच, टच से रिलेटेड क्या आएगा इसमें? इलेक्ट्रिक वायर्स, पुश, पुश से रिलेटेड क्या था? स्टेयर्स, रन, रोड, ओबे, ट्रैफिक रूल्स, इंजर्ड, इंजर्ड को कौन ठीक करता है? जॉब। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स। जो ये चैप्टर था इसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं मैंने, तो आप इस तरीके से फिलअप्स दे सकते हैं। सबसे पहला आता है सेफ्टी, नेक्स्ट नाइफ्स, स्विच, डेथ, स्टेयर्स, लाइट, और नेक्स्ट फर्स्ट। तो इस तरीके से आप कोई भी वर्ड लेकर उनकी स्पेलिंग्स को फिल करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रू और फॉल्स। वी शुड रन ऑन स्टेयर्स, हमें स्टेयर्स पे रन करना चाहिए? फॉल्स। यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। ट्रू। येलो लाइट सेज टू गो। फॉल्स। कॉल एल्डर्स व्हेन समवन गेट्स हर्ट। You should hide your injuries. Injuries छुपानी चाहिए। False. तो इस तरीके से हम बच्चों को true false करा सकते हैं। बच्चों को इस तरीके से अगर आप भी घर में प्रैक्टिस कराते हैं, पिक्चर्स बनाकर ये सारी चीजें एक एक करके समझाएंगे तो बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।